हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में बात करूंगा इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 स्मार्टफोन के बारे में। अब ये जो स्मार्टफोन है, इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, कब लॉन्च हो सकता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिला है। अब ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है मिला है पैसिनेट गीक नाम के एक वेबसाइट के तरफ से, और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसका जो क्रेडिट है इन्हीं जाता है। तो थैंक यू पैसिनेट गीक फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 स्मार्टफोन के अंदर हमें 6.8 इंचेस का फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। इसके साथ ही हमें उम्मीद किया जा रहा है कि जो ये इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 स्मार्टफोन है, इस बार जो ये डिस्प्ले है हमें पंच होल कटआउट के साथ देखने को मिल सकता है, और ये जो पंच होल है हमें टॉप के सेंटर में देखने को मिल जाएगा, ऐसा उम्मीद है। क्योंकि इन्फिनिक्स हॉट 11 स्मार्टफोन के अंदर हमें वाटर ड्रॉप नोच के साथ डिस्प्ले देखने को मिला था, तो यहां पर हमें इस बार इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अब चलिए बात करते हैं प्रोसेसर की। इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 स्मार्टफोन के अंदर हमें ऑक्टा कोर यूनिसॉक T700 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो GPU है वो है माली G52। अब ये जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस से बना हुआ है, और ये जो प्रोसेसर है एक एंट्री लेवल प्रोसेसर है। जैसे कि इस स्मार्टफोन को अगर हम कंपेयर करें इन्फिनिक्स हॉट 11 के साथ, उसके अंदर हमें हिलियो G70 प्रोसेसर देखने को मिला था और वो भी 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस से बना हुआ था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये जो यूनिसॉक T700 प्रोसेसर है हिलियो G70 प्रोसेसर के आसपास का प्रोसेसर है, जिसके अंदर आपको सिमिलर सा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही ये जो स्मार्टफोन है 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च होने वाला है, और इसके साथ हमें डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन है एंड्रॉइड 11 के साथ लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर हमें इन्फिनिक्स का ही XOS का स्किन देखने को मिल जाएगा। अब बात करें कैमरा, इसकी बैक साइड में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इन्फिनिक्स हॉट 11 स्मार्टफोन था उसके अंदर हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिला था, तो यहां पर भी हमें इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर के साथ देखने को मिल सकता है। इसके साथ दो जो और कैमरा है वो हमें 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और माइक्रो कैमरा के सेंसर के साथ देखने को मिल सकता है। और सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर हमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। तो कैमरा सेटअप में भी हमें ओवरऑल थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बैटरी की बात करें, इस बार बैटरी थोड़ा कम कर दिया गया है। जैसे कि 5200 एमएच का बैटरी हमें इन्फिनिक्स हॉट 11 के अंदर देखने को मिला था, इस बार हमें 5000 एमएच का बैटरी देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 स्मार्टफोन के अंदर। इसके अंदर हमें 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। तो यही सारी वो स्पेसिफिकेशंस थी जो कि हमें जो आने वाला ये स्मार्टफोन है उसके अंदर देखने को मिलेंगे। अब इसके अलावा जो स्मार्टफोन के लॉन्च डेट है वो हमें फरवरी के अंदर देखने को मिल सकता है, जैसे कि जो पैसिनेट गीक है उन्होंने बताया हुआ है। तो देखते हैं कब ये स्मार्टफोन फरवरी में लॉन्च होता है, और उसके बारे में जैसे ही और इन्फॉर्मेशन मिलेंगे मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। इसके अलावा प्राइसिंग के बारे में बात करें, जैसे कि अभी जो इन्फिनिक्स हॉट 11 स्मार्टफोन है फ्लिपकार्ट के ऊपर 10,000 में बिक रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 स्मार्टफोन है इसका प्राइसिंग हमें अराउंड 11,000 देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो इन्फिनिक्स हॉट 11 स्मार्टफोन है उसके अंदर हमें 4GB 64GB स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि 10,000 में बिक रहा है। इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 ये 4GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च होगा, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11,000 के आसपास अगर लॉन्च किया जाता है तो बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग रहेगा स्मार्टफोन का। देखते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही ज्यादा है, उसके ऊपर ये खरा उतरता है या नहीं उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे जैसे ही फ्यूचर में इस स्मार्टफोन के लॉन्च के बारे में पता चलेगा और प्राइसिंग के बारे में पता चलेगा। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपके कमेंट्स। तो बस इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, फिर मिलेंगे।